मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है? मानव विकास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमें दो वर्ड को समझना इम्पोर्टेंट होता है बेटा। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट new to you. Look around you, almost everything that you can see grows and develops. ये जो दो शब्द हैं बेटा आपके लिए भी नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो वर्ड है हम पहले से सुनते आ रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें ग्रो करती हुई दिखाई देती हैं। किसी चीज़ का डेवलप मेंट हमें दिखाई देता है। तो दीज में भी कौन कौन से हो सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या क्या हो सकता है? दीज में भी प्लांट्स, सिटीज, आइडियाज़, नेशंस, रिलेशनशिप और इवन यूअर सेल्फ। व्हाट डज दिस मीन्स? कि आप लोगों को क्या है बेटा, प्लांट्स भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, प्लांट्स तो हमेशा क्या है, ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिटीज़ क्या होती हैं बेटा? वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आपके आइडियाज़ हैं, नेशन है, रिलेशनशिप है, या फिर खुद हो, तो आपके अंदर भी क्या है, टाइम भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या है, चेंज आता रहता है। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके अंदर क्या है, चाहे आपके अंदर लगा लो या प्लांट्स के अंदर लगा लो या सिटीज़ के अंदर लगा लो या पूरी कंट्री के अंदर लगा लो, दोनों के अंदर क्या है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज आता रहता है। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। एक ग्रोथ में क्वांटिटेटिव की बात करते हैं हम, ग्रोथ में यह नहीं देखते कि वैल्यू आ रही है या नहीं। ग्रोथ क्या हो सकता है बेटा? इट मे हैव अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन। दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव शोइंग एन इंक्रीज और नेगेटिव इंडिकेटिंग ए डिक्रीज। क्या होता है ग्रोथ, क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट में हम क्वांटिटेटिव पर फोकस नहीं करते, हम क्या करते हैं डेवलपमेंट के अंदर, हम किसी क्वांटिटेटिव को नहीं देखते। डेवलपमेंट के अंदर हम किस चीज़ को देखते हैं बेटा, कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? क्वांटिटेटिव के ऊपर फोकस नहीं करते, क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अक्सर जो डेवलपमेंट होता है वो अक्सर क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है बेटा। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? लाइक जैसे हम बात करते हैं कोई बच्चा है क्लास के अंदर, उसके पहले यूटी के अंदर 10 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 20, लेकिन अब क्या आने लगे, उसके 15 मार्क्स आने लगे। लेकिन हमने देखा कि उसकी वैल्यू तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ी है। क्वांटिटी कैसे बढ़ी है? 10 से क्या हो गई, 15। लेकिन क्या हो रहा है, हो सकता है कि ये जो मार्क्स है उस बच्चे के, वो चीटिंग करके आए हो। तो उस समय में क्या होता है बेटा, ग्रोथ तो क्या हो सकती है बेटा, क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का डेवलपमेंट भी हो रहा है? क्या उस बच्चे को उससे कुछ सीखने को मिला है? तो यही बात होती है कि ग्रोथ के अंदर हम बात करते हैं, ग्रोथ के अंदर हम किसकी बात करते हैं बेटा, वैल्यू की बात करते हैं। लेकिन हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। डेवलपमेंट अक्योर व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। तो डेवलपमेंट कब होता है? जब किसी चीज़ की ग्रोथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। यह पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। लेकिन कई बार क्या हो जाता है बेटा, जब पॉजिटिव ग्रोथ भी हो रही होती है उसका ये मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। लाइक जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बुक के अंदर? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 lakh टू 2 lakh ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन से द सिटी हैज़ ग्रोन। मान लिया किसी देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो एक टाइम में 1 lakh थी, लेकिन क्या हो गई,
पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज हो गई, 2 लाख हो गई, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, सिटी क्या हो गई है, ग्रोन हुई है। लेकिन क्या हो रहा है, हाउ एवर इफ़ द फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम, देन द दिस ग्रोथ हैज नॉट अकम्पनीड बाय डेवलपमेंट। लेकिन क्या हो रहा है, देखा हमने कि ग्रोथ तो हुई है, सिटी ने क्या कर लिया, सिटी की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम जब उस शहर के अंदर जाके देखा तो उसके अंदर जो लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज़ थी या हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई, तो क्या हम इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं? ये क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट नहीं होता, ये तो क्या होता है बेटा, सिर्फ ग्रोथ हो रही है। लेकिन ग्रोथ के साथ क्या होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट भी होना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।